नमस्कार, आर एन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं आज बनाने जा रही हूँ बची हुई दाल के मसालेदार पराठे। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बची हुई दाल का पराठे बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। हमने गेहूं का आटा लिया है, एक कटोरी से नाप करके हमने 2 कटोरी आटा लिया है गेहूँ का। हमारी 1 कटोरी उड़द की दाल है बची हुई, हमने दाल बनाई थी, हमारी 1 कटोरी दाल बच गई थी। हरा धनिया कटा हुआ, नमक, तेल चाहिए हमें 1 चम्मच बस, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हींग। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम आटे में सबसे पहले दाल मिलाएंगे। डालेंगे इसमें हम हरा धनिया, नमक, दाल में भी नमक था उस हिसाब से नमक डालेंगे। डालेंगे हम जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, हींग, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, सबको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने इसमें मिला लिया सब कुछ, अब इसमें हम पानी डाल करके एक इसका डो तैयार करेंगे। डो को हम पराठे की डो की तरह से तैयार करेंगे। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है, अब इसको ढक करके हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे और एक बार इसको और हम हल्के हाथ से मसल देंगे आटे को। अब इसकी हम लोई तोड़ लेंगे। आपको जितने मोटे पराठे बनाने हो, जितने बड़े बनाने हो, उतनी आप लोई लीजिएगा। हम इसकी इतनी बड़ी लोई लेंगे। हमने सारी लोई बना ली है, अब हम 1 लोई लेंगे और उसको हम सूखे आटे में थोड़ा सा लगाएंगे। हमें सूखा आटा भी चाहिए। अब इसको हम थोड़ी सी बेलेंगे। हमने इतनी बड़ी बेल ली है, अब इसमें हम ऑयल लगाएंगे। वेजिटेबल ऑयल है हमारा। हम पराठा चौकोर बनाएंगे। हम ऐसे मोड़ेंगे इसको आधा, फिर हम आधा इधर से मोड़ेंगे। अब इसमें हम फिर से ऑयल लगाएंगे। फिर हम इसको ऐसे हाफ मोड़ेंगे, फिर इसको हम इसके ऊपर से ऐसे हाफ मोड़ देंगे। देखिए हमने ऐसे बना लिया है चौकोर। आप चाहे तो तिकोन या गोल कैसे ही बना सकते हैं। फिर हम इसमें सूखे आटे में इसको ऐसे लपेटेंगे और इसको हम बेलेंगे बिल्कुल चौकोर सा।
अगर आपका पराठा चिपके तो आप और सूखा आटा लगा लेना। देखिए हमने इसको इतना मोटा बेल लिया है, चौकोर इसको बिल्कुल। देखिए अब इसको हम सेकते हैं। गैस पे हमने तवा गरम कर लिया है, अब इस पर हम पराठा डाल देंगे बेला हुआ अपना। गैस को हम मीडियम रखेंगे बिल्कुल। हमारा ये पराठा सिक रहा है, उतनी देर में हम दूसरा बेल लेते हैं, इसको हम पलट देंगे। हम आपको एक पराठा और बेल के दिखा देते हैं। हमने लोई ली है दूसरी, अब इसको हम बेलेंगे। इसमें हम ऑयल लगाएंगे। अब इसको हम इधर से मोड़ेंगे। देखिए हमने आधा मोड़ा है, अब इसको हम इसके ऊपर से ऐसे मोड़ देंगे। अब फिर हम इसके ऊपर ऐसे ऑयल लगाएंगे और इसको हम फिर आधा मोड़ेंगे, इसके ऊपर हम इसको ऐसे मोड़ देंगे। देखिए इसको भी हम उसी प्रकार से सूखे आटे में लगा करके बेल लेंगे। देखिए हमारा पराठा बेल गया है चौकोर, हमारा पराठा पीछे भी सिक चुका है हल्का सा। अब इस पर हम ऑयल लगा देंगे। और इसको हम पलट देंगे, इधर भी हम लगा देंगे ऑयल। इसको हम पलट देंगे और इसको हम सेक लेंगे पराठे को। दोनों तरफ इसको हम सुनहरा कर लेंगे। देखिए पराठा हमारा सिक चुका है दोनों तरफ, अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए इसी प्रकार हम और पराठे सेक लेंगे। हमारे सही पराठे सीख चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। ये तैयार है हमारे बची हुई दाल के पराठे। देखो दही के साथ चटनी या सॉस किसी के भी साथ खा सकते हैं आप। आपके पास कोई भी दाल बचे, हमने उड़द दाल के बनाए हैं पराठे, कोई सी भी दाल बचे किसी के बना सकते हैं आप पराठे, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसको आप नाश्ते में बनाइए और खाइए।